तो मार्केट में क्या कुछ है नया, डेटा प्लान, फोन या फिर ऑटो टैक्स से रिलेटेड कोई और खबर, हम आज इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। लेकिन एक ऐसी खबर है जिसे लेकर मार्केट में काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। हम बात कर रहे हैं जीबी व्हाट्सएप की। दरअसल जीबी व्हाट्सएप को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये व्हाट्सएप का अपडेटेड वर्जन है, तो कुछ इसे फेक ऐप समझ रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये जीबी ऐप है क्या, ये कैसे काम करता है, इसकी खासियत क्या है, सब कुछ आपको हम डिटेल में आज बताएंगे। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स की बड़ी संख्या है, लेकिन कुछ समय पहले इस ऐप पर नई प्राइवेसी पॉलिसी आई थी जिसके चलते विवाद भी काफी हुआ। उस वक्त काफी सारे लोग सिग्नल और टेलीग्राम जैसे दूसरे ऐप का रुख भी कर चुके थे। हालांकि अब भी देश में व्हाट्सएप के यूजर की संख्या बहुत है। इस बीच एक ऐप जिसका नाम जीबी व्हाट्सएप है गूगल सर्च पर ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि जीबी व्हाट्सएप ओरिजिनल व्हाट्सएप का कोई अपडेटेड वर्जन नहीं है, जैसा कि इसे लेकर चर्चा थी। ये एक पूरी तरह से अलग ऐप है और एक मॉडेड वर्जन है। हालांकि इसमें आपको ओरिजिनल व्हाट्सएप जैसे ही फंक्शन मिलेंगे। ऐसे में इसका इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके डेटा में सेंध लगाई जा सकती है। हालांकि इसमें ओरिजिनल ऐप के फंक्शन के साथ साथ कस्टमाइजेशन जैसे कई एडिशनल फीचर होने की वजह से कुछ यूजर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम साफ कर देते हैं कि ये ऐप व्हाट्सएप का ओरिजिनल ऐप नहीं है, ये कोई दूसरा ऐप है। तो इस कंफ्यूजन में कोई भी ना रहे कि ये व्हाट्सएप का ही एक अपडेटेड वर्जन है और लोग इसे इंस्टॉल कर ले। देखिए, इंस्टॉल करना या ना करना वो आपके हाथ में है, लेकिन आपके लिए हम जरूर ये बता सकते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करने से हो सकता है कि आपकी कुछ जो डेटा है उसमें प्रॉब्लम आए, उसकी जो सुरक्षा है उसमें प्रॉब्लम आए। इसलिए आप सोच समझ कर इस पर फैसला ले। खैर, जीबी व्हाट्सएप की जब बात कर रहे हैं तो आपको हम ये भी बता देते हैं कि आखिर इसमें फीचर क्या क्या है और क्यों इसे लोग बहुत ज्यादा लाइक करने लगे। जीबी व्हाट्सएप को व्हाट्सएप का एक अच्छा मॉड वर्जन कहा जा सकता है। इसे सीधे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जा सकता, इसका एपीके सर्च करके डाउनलोड किया जा सकता है और फोन में आप इसे फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि इसे यूज करने की सलाह नहीं दी जा सकती है। इस मॉडर्न वर्जन ऐप के इस्तेमाल करने का नुकसान ये भी हो सकता है कि आपका ओरिजिनल व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक हो जाए। साथ ही साइबर एक्सपर्ट्स ऐसे ऐप के इस्तेमाल को खतरनाक मानते हैं। जीबी व्हाट्सएप के फीचर की बात करें तो इसमें ऑटो रिप्लाई का फीचर है, लास्ट सीन को हाइड करने का ऑप्शन तो आता ही है, 32 कैरेक्टर का ग्रुप नेम आप दे सकते हैं, कोई भी व्हाट्सएप स्टोरी आप सेव कर सकते हैं, हर तरह के फाइल्स भेजना इसमें संभव है, कोई भी स्टेटस कॉपी करना संभव है और 600 लोगों तक ब्रॉडकास्ट मैसेज आप भेज सकते हैं। इसी वजह से कई यूजर इसे इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है। देखिए, स्टोरी सेव करना हो या फिर ऑटो रिप्लाई, ये कुछ खास फीचर हैं जो इस ऐप में मिल रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आप जो भी ऐप डाउनलोड करें वो ऑथेंटिकेटेड हो। अब ये क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है तो कहीं ना कहीं एक बार आप भी संकोच करेंगे। खैर, इस्तेमाल करना है या नहीं करना है ये आप पर पूरी तरह से निर्भर करता है। लेकिन मार्केट में इस ऐप को लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए आप तक इसकी खबर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी थी। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि जीबी व्हाट्सएप व्हाट्सएप का अपडेटेड वर्जन नहीं है और इसे डाउनलोड करने की सलाह भी नहीं दी जा सकती है।